أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह हैरो आफियत से होंगे. स्टूडेंट्स, आज के इस इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको यूज़ ऑफ कोटेशन इन स्टैंड हु सो लिस्ट बाई थॉमस वाइट की मशहूर पोइम है, इसमें इस्तेमाल होने वाली कोटेशंस आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा. तो काइंडली आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके और आप कोटेशन का इस्तेमाल करके अच्छे नंबर हासिल कर सकें एग्ज़ाम में. तो काइंडली आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पर जाके ऑल पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके. तो व्यूवर्स, मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि कोटेशंस आपने तब लिखनी है जब आप लोग एक्सप्लेनेशन या फिर कोई सवाल इस पोइम के मतलब हल कर रहे हैं. मैं आपको बताता चलूं, स्टैंड हु सो लिस्ट पोइम वाहद पोइम है जिसमें शायर ने अपना थीम चेंज किया है एम ए इंग्लिश आर्ट पोइमों में. ठीक है, आर्ट पोइमों की बात कर रहा हूँ कि मतलब आठ पोइमें हैं एम ए इंग्लिश के सिलेबस में और ये वाहद पोइम है जिसमें डिज़ायर का जिक्र किया गया, बाकी सब में प्यार का जिक्र किया गया है. सबसे पहले आपने इस पोइम की एक्सप्लेनेशन इस तरह स्टार्ट करनी है जी, इट इज़ सिंपल पोइम अबाउट ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन डिज़ायर. डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिशात, डिज़ायर्स आपने लिखना है. ठीक है, जमा कर देना है. आगे आपने क्या लिखना है जी, आगे लिखना है जी, द पोइट सेज दैट एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू अटेन हाई रैंक्स इन द वर्ल्ड. हर इंसान चाहता है कि वो आला ओहदा हासिल करे दुनिया में. ठीक है, सो द वन फेमस राइटर सेज अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में कहते हैं, कहता है राइटर एक, द पीपल ऑलवेज वेलकम्स द राइजिंग सन, चमकते हुए सूरज को ये दुनिया सलाम कहती है, ये लोग सलाम करते हैं. मतलब जिसके पास पैसा है उसे दुनिया सलाम करती है, जिसके पास ओहदा है उसे दुनिया सलाम करती है, बाकी जो उनसे गरीब हैं उन बेचारों को कोई पूछना नहीं गुवारा करता, उनसे मिलना नहीं गुवारा करता, उनसे हाथ मिलाना गुवारा नहीं करता. तो ये है जी, ये पोइम बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ इंसानी डिज़ायर को बयान करती है कि इंसान आला ओहदा तो हासिल कर लेता है लेकिन उससे पूछा जाए कि वो कितनी खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन वो हकीकत में खुशगवार ज़िंदगी नहीं बसर कर रहा होता बल्कि वो पुरखतर यानी दर्दनाक ज़िंदगी बसर कर रहा होता है क्योंकि उसे दूसरों की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है. जो बड़े ओहदे पर फाइज इंसान होता है, हम दूर से देखते हैं बड़े ओहदे के इंसान के पास कार है, कोठी है, बंगला है, लेकिन उसे किसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है, दूसरों इंसानों की तवक्कात के मुताबिक. क्यों? क्योंकि ये थॉमस वाइट कहता है, थॉमस वाइट ये बयान कर रहा है कि इंसान दूसरों के मुताबिक, दूसरों के बताए हुए, दूसरों की उम्मीदों, दूसरों की तवक्कात पर ना बुरा उतरे तो वो लोग उसे बुरा भला कहते हैं. जो उनसे बड़ा होता है वो इंसान के लिए नुकसानदह होता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान हासिल भी करना चाहता है इसे. ये आपने स्टार्ट पर लिखना है. आगे आपने दरमियान में ये लिखना है जी, ये बैकन कहता है, कौन? फ्रांसिस बैकन. ठीक है, इट इज़ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर. ठीक है, ये अजीब ताकत हासिल करने की ख्वाहिश है, एंड टू लूज लिबर्टी, और इसमें इंसान छोड़ देता है क्या, अपनी आज़ादी. बाई पेंस मैन कम टू ग्रेटर पेंस, और इसमें इंसान पेंस का सामना करता है, दर्द का सामना करता है, बहुत ज़्यादा दर्दों, एक दर्द के ख़त्म होने के बाद फौरन दूसरा दर्द शुरू हो जाता है. मतलब एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी ख़त्म शुरू हो जाती है. ये है जी इस पोइम का दूसरा थीम. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा. और व्यूवर्स, अगर आपने एक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके. और व्यूवर्स, एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने 9th से लेकर एमए इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है. जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. और ये मज़ीद मेरे 4 चैनल्स हैं, काइंडली आप लोगों ने इनों चारों चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन के बटन पर जाके ऑल पे लाजमी प्रेस करना है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मुझे फुल सपोर्ट करेंगे. और
अगर आपको 9th से लेकर एमए इंग्लिश तक गेस्ट पेपर या नोट्स चाहिए तो वो मुनासिब कीमत पर आपको मिल जाएंगे। और ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसीजर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे से रब्ता ज़रूर करेंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।